press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम। आज हम ढोडा बर्फ़ी बनाएंगे। ये पाकिस्तान के इलाके खुशाब की ख़ास सौगात है। जैसे यहाँ मुल्तान का मुल्तानी हलवा बहुत मशहूर है, इस तरह ये खुशाब की ये ढोडा बर्फ़ी बहुत ही मशहूर है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनेगी। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये हमने कढ़ाई में 1.5 लीटर दूध लिए, इसे मैंने मलाई इसके ऊपर से नहीं उतारी, मलाई के साथ ही मैं इसको बॉईल करूंगी और इसे हमने काफी हद तक रिड्यूस करना है। ये देखें दूध रिड्यूस हो गया, तकरीबन आधा रह गया है। इसमें हम मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना चिपके और उबल ना पाए। तो इसको हमने मज़ीद और भी अभी रिड्यूस करना है, मैं अभी और रिड्यूस करूँगी। इसे 10 मिनट हो गए तकरीबन उबलते हुए, अब मैं इसे मज़ीद 10 मिनट और उबालूँगी। तो मज़ीद 10 मिनट हो गए पकते हुए, अब ये इतना गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसमें ये 1 लेमन का रस शामिल करूँगी। आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको फाड़ना है, इससे ये होगा कि इसका एक दानेदार ये बनेगा और वो बहुत ही अच्छा लगता है। वरना अगर हम इसमें ये लेमन का रस शामिल ना करें तो इसकी एक पेस्ट सी बन जाएगी और वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। उस तरीके से ढोडा बर्फ़ी हमारी सही तैयार नहीं होगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता लेमन का रस इसमें शामिल कर रही हूँ। ये देखें ये फटना स्टार्ट हो गया है। ये देखें दानेदार होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। इस वक्त आपने इसमें से चम्मच मुसलसल चलाते रहना है क्योंकि ये गाढ़ा हो चुका है और ये नीचे फौरन लग जाएगा, इसलिए हम इसमें मुसलसल इस वक्त चम्मच हिलाते रहेंगे। ये देखें ये इस तरीके से अब ये गाढ़ा होता जा रहा है। ये देखें ये देखें, और मैं मुसलसल इसमें चम्मच हिलाती रहूँगी। ये देखें इसका पानी अलहदा हो गया है और ये अलहदा से हो गया है। तो अब मैं इसको उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक इसका पानी बिल्कुल सूख नहीं जाता। इसका पानी हमने बिल्कुल सुखाना है। ये देखिए बड़ी तेज़ी से इसका पानी खुश्क हो रहा है, मैंने इसका फ्लेम हाई कर दिया। ये देखिए इसका पानी खुश्क हो गया, मैं इसमें देसी घी का 1 चम्मच डाल रही हूँ। इसको देसी घी में बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा, आप दूसरे घी में भी इसको बना सकते हैं। और ये देसी घी इसमें डाल चुकी हूँ। अब मैं इसमें तकरीबन ये 1/2 कप के बराबर चीनी डालूँगी। अब चीनी से ये दोबारा से पतला हो जाएगा तो मैं दोबारा से फिर इसका पानी खुश्क होने तक इसे पकाऊंगी। चीनी डालते ही इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। ये देखें इसको मुसलसल हमने चम्मच चलाते रहना और पकाते रहना। चीनी डाल के हम इसे अच्छे से भून रहे हैं, इसका चम्मच हिलाते जा रहे हैं, इसका कलर चेंज होता जा रहा है। तो ये देखें अब मैं इसको उस वक्त तक बनाऊंगी जब तक इसका पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। ये देखें ये हमारा ढोडा बर्फी अब बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखें ये इस तरीके से है और ये जो इसके ऊपर ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये घी है और बाकी ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने एक डिश के ऊपर प्लास्टिक रैप लगा दी है, अब मैं ढोडा बर्फी इस पर डालूंगी इसको जमाने के लिए। ये मैंने प्लास्टिक रैप इसलिए लगाया है कि इसको हम आसानी से बाद में निकाल सकें। तो मैं अब इसको इसमें डालती हूँ। इस तरीके से हम सारा ढोडा बर्फी इसमें डाल देंगे। ये देखें मैंने सारा ढोडा बर्फी इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको कुछ देर के लिए इसमें जमने के लिए रखूंगी। इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से इसमें से
टुकड़ों की सूरत में बाद में जब मैं काटूँ तो ये निकल आए। अब मैं इसके ऊपर कुछ नट्स, पिस्ते और बादाम डाल दूंगी। इसको भी प्रेस कर देंगे इसमें ऐसे जैसे। अब मैं इसको तकरीबन 15 मिनट तक ठंडा होने के लिए रखूंगी। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, अब ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसका ये रैप उतार के और इसको एक डिश में निकालूंगी। ये देखें, रैप से हमने इसको उतार लिया। ये देखें, ढोडा बर्फ़ी बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही लजीज ये तैयार होती है। इसको आप 1 वीक तक बाहर भी रख सकते हैं, और अगर आपने इसको ज़्यादा देर तक रखना है तो आप इसको फ्रीज़ कर दें और थोड़ा सा आप इसको माइक्रोवेव में मेल्ट करके खाएं, तो बिल्कुल ये फ्रेश उसी तरीके से आपको लगेगा और ये बहुत ही मज़ेदार होता है खाने में। और आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।